हेलो गाइस, आज हम आपके सामने लाने वाले हैं सबसे छोटा हार्वेस्टर, जो कि ये हार्वेस्टर शायद ही आप लोगों ने देखा होगा। इस हार्वेस्टर से गेहूं भात जैसे कई कटाई की जाती है, लेकिन गाइस, इस हार्वेस्टर की खास बात ये है कि ये गाइस कीचड़ में भी आसानी से चल पाता है, वहाँ पर कुछ होता नहीं, इसका कुछ बालाबाग होता नहीं। ये हार्वेस्टर दिखने में तो छोटा है लेकिन काम बड़ा बड़ा करता है। तो गाइस यार, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, वो लाल वाला बटन है उसे दबा उसे, फटाफट से वो ब्लैक हो जाना चाहिए यार। आपके लिए नया वीडियो लाता रहता है यार, कर दे यार सब्सक्राइब कर दे यार, छोटा भाई यार आपका। चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तरीके से इस हार्वेस्टर को यहाँ पर लाया है। देखो गाइस, इस हार्वेस्टर की खास बात मतलब यार, इस हार्वेस्टर की ये चेन देखो काफ़ी बेहतरीन। देखो यार किस प्रकार से यहाँ पर वर्क कर रही है। देखो लेफ्ट राइट घूमना हो या मुड़ जाना हो, काफ़ी बेहतरीन हमारे ऑपरेटर भैया वहाँ पर ऑपरेटिंग कर रही है। लेकिन देखो यार क्या ही कितनी छोटी लग रही है। देखो ओ भाई, वो गिरने जाए यार बस। तो गाइज अभी देखते हैं इस मशीन हमारी छोटी हार्वेस्टर कैसे खेती में वर्क कर पाती है या कीचड़ में चल पाती है, तो देखेंगे। चलो ओ भाई साहब, देखो यार ये हार्वेस्टर कीचड़ में भी काफ़ी बेहतरीन से वर्क कर रही है। देखो देखो यार गाइज, ये हार्वेस्टर देखो कितनी आसान तरीके से वो बीज को काट पा रही है। देखो आरामदायक से वो, देखो उसकी ब्लेड भी अच्छे से वर्क कर रहे है। और ऑपरेटर भैया देखो उसकी ऑपरेटिंग, देखो उसके हाथ के ऊपर नज़र डालो बस। सो गाइस यार, इस हार्वेस्टर के अंदर जो बीज जमा होता है वो कैसे निकाला जाता है, वो देख रहे हो, वो पांडरी नली दिख रही है, वो पाइप उससे निकाला जाता है, तो वो कैसे होता है सब आगे वीडियो में देखेंगे। यार वीडियो फुल देखो यार, सपोर्ट भी। इस तरीके से कट जाने के बाद नज़ारा अपने सामने आ जाता है। सो गाइस, कुछ इस तरीके से हमारी जो छोटी हार्वेस्टर होती है जिसके अंदर कटा हुआ बीज रहता है वो कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले वो रास्ते पे लाना पड़ता है और यहाँ पर देखो काफ़ी बेहतरीन तरीके से वो हार्वेस्टर का जो पाइप होता है वो ट्रैक्टर के ट्रॉली में सीधा जाएगा, फिर बाद में वहाँ से अनाज निकाला जाएगा। देखो अभी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट धमाके के साथ, नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।